हेलो 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 आवाज तो खराब आ रहा है हेलो 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 Online students, please confirm, I'm audible to you. Hello 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 <laughs> am i audible and visible to you please confirm online students will get started Great. ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन चलो विल कंटिन्यू आर डिस्कशन विथ चैप्टर नंबर आई थिंक कल हमने लास्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच दैट इज व्हाट इज योर बीसीजी मॉडल व्हाट इज मैकेंजी मॉडल वी आल्सो टॉक्ट अबाउट एनसॉफ एंड एडीएल मैट्रिक्स कल पोर्टफोलियो अनालिसिस के जो चार मैकेनिज्म्स आपको दिए थे वो हमने डिस्कस किए थे आज चैप्टर फोर का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे जहां पर वी हैव कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ नाउ व्हाट आर दीज कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ इंडिविजुअली हर स्ट्रेटजी का रेलिवेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे देखो इन्होंने इस बार ना वो एक जो लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पढ़ाएंगे फिर बिजनेस लेवल एंड देन फंक्शनल लेवल वो सीक्वेंस थोड़ा खराब कर दिया है आपके नए मॉड्यूल में बट हम वही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं इसलिए पहले हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं इसके बाद में हम चैप्टर नंबर थ्री पे जाएंगे जहां पर आएंगे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज फंक्शनल लेवल तो आपके सिलेबस में अब ही नहीं वो एक चैप्टर को कर दिया गया है हैं वो चैप्टर फाइव के अंदर है तो आज हमारा डिस्कशन होगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में ये बोलता है सर एज अपोरेट लेवल मैनेजर यू हैव फ्यू ऑप्शन वेन यू आर स्ट्रेटेजाइजिंग द फर्स्ट ऑप्शन इन द मोस्ट इजेशन है वो ट्राई करेगा कि भाई हम जो भी करंट स्केल पे काम कर रहे हैं वो स्केल हमारा इंप्रूव होना चाहिए वी शुड सी अट ग्रोथ नंबर इसलिए जनरली ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक बहुत डिस्क होगा इटली होता है तो शायद आप सेम सिचुएशन को कंटिन्यूसली में चाहेंगे, चाहेंगे उसके लिए एक स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आएगा दैट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी तो मतलब एक है एक्सपेंशन और ग्रोथ दूसरा है स्टेबिलिटी तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट ऑप्शन है व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग यू हैड क्या करना पड़ सकता है रिट्रेंच सो दी इज कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी मतलब होता है आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो स्कोप है ना उसे कम करना शुरू कर दीजिए अब रिट्रेंचमेंट के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं पहला ट्राई एक बिजनेस करता है जो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन है इसको रिवर्स करते हैं क्या दैट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी दैट इज कॉल्ड एज

पहले चार स्ट्रेटजी लिख के दिए हैं ये आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज हैं दीज फोर आर योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज जिसका डिस्कशन इस चैप्टर में होने वाला है पेज नंबर 4.2 ये जो स्ट्रेटजीज दिए माइकल पोर्टर के ये है मेरे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज दीज आर कॉर्पोरेट लेवल द सेकंड वन इज माय बिजनेस लेवल एंड लास्ट में जो लिस्ट बना करके दिया है दीज आर माय फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी ये अनफॉर्चुनेटली डिटेल में आपके सिलेबस में अब नहीं है आपके सिलेबस में सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल है एंड बिजनेस लेवल है कॉर्पोरेट लेवल पे यू हैव स्टेबिलिटी ग्रोथ

कॉम्बिनेशन पहला डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी समझिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है ये बोलता है अगर मान लो आपका बिजनेस ऑलरेडी एक अच्छे खासे स्केल पे है मतलब यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे हो एंड आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज है मतलब जो प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो वो ऑलरेडी शायद मेच्योरिटी फेज में आ रहे हैं कहां पर आ रहे हैं मेच्योरिटी फेज में मतलब इंडस्ट्री में भी ऐसा बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखता है प्लस आपके पास में एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर है तो आप क्या चाहोगे अच्छा मार्केट शेयर है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है मतलब सेम सिचुएशन क्या होनी चाहिए रिटेन होनी चाहिए मेंटेन होनी चाहिए तो आप लोग जो स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हो दैट कैन बी कॉल्ड एज स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी में कोई मेजर बिजनेस में बदलाव नहीं लाया जाएगा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए जाएंगे छोटा मोटा पैसा आप इनफ्लो के फॉर्म में जरूर ऐड कर सकते हैं बट यहां पर कोई आपके हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है यहां हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है ईयर ऑन ईयर फिफ्टीन ट्वेंटी अचीव कर पा रहे हैं सेम नंबर क्या होने चाहिए कंटिन्यू होने चाहिए हमारे एग्जिस्टिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते सिमिलर सर्विसेज में डील करना चाहते हैं मतलब हम यहां से बहुत ज्यादा अग्रेसिवली एक्सपेंड करने के बजाय सेम लेवल को रिटेन करके अपने सिचुएशन को स्टेबिलाईज करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रेटेजी क्या लाएगा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अब यहां पर ना एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं या तो पूछेगा एग्जाम के लिए एक्सपेंशन रिट्रेंचमेंट दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर भी ऑब्वियसली थोड़ा आपको स्टेबिलिटी का ओवरव्यू दे देता हूं बट मेजर डिस्कशन आज का जो होगा वो एक्सपेंशन पे होगा एंड रिट्रेंचमेंट पे होगा दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नाइनटी से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन आएगा फिर भी शुरुआत के लिए स्टेबिलिटी पे थोड़ा एक पांच दस मिनट का डिस्कशन करते हैं तो सर स्टेबिलिटी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आइए पेज नंबर 4.4 पहला चीज को मार्क कीजिएगा सर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में आप मेजर फोकस क्या करते हैं आपके एग्जिस्टिंग जो भी गोल्स हैं स्ट्रेंथ्स है उन्हें आप सेफ गार्ड करना चाहते हैं सेम वेल टेस्टेड आपके जो ऑब्जेक्टिव है उनको ही अचीव करना चाहते हैं आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का पाथ है उसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं मतलब सर कोई मेजर बदलाव नहीं आएगा कैन वी से स्टेबिलिटी में ना मेजर इन्वेस्टमेंट होगा ना कोई नए रिस्क लिए जाएंगे अब ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट नहीं है सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नए रिवॉर्ड्स भी नहीं आएंगे इट इज लाइक सेम लेवल कंटिन्यू करना चाहते हैं थोड़ा ऑपरेट ऑपरेशनल एफिशिएंसी चाहिए क्या चाहिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब सेम ही प्रोडक्ट बनाएंगे बट एफिशिएंसी अगर इंप्रूव हो जाएगी तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा और मार्जिन क्या हो जाएगा बेटर हो जाएगा वो एफिशिएंसी जरूर अचीव करना चाहते हैं इसके अलावा आपका कोई मेजर अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है इनकेस ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इसीलिए कभी कभी बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी साउंड लाइक अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी साउंड लाइक अ डू नथिंग कि आप कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा नहीं है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के लिए भी कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा एनवायरमेंट में क्या बदलाव आते हैं वो पता होना चाहिए सेम पोजिशन को रिटेन करना भी एक टफ जॉब होता है तो स्टेबिलिटी रिक्वायर्स यू इवेल्युएट एंड यू नो अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस बिजनेस इज देर इज अ चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट उसको अडेप्ट करते एटलीस्ट अपना बिजनेस को थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ता है ताकि सेम सिचुएशन क्या हो रिटेन हो मेनटेन हो इसीलिए स्टेबिलिटी को डू नथिंग बोलना सही नहीं होगा इसके लिए भी आपको एक पॉइंट मार्क करवा के दूंगा वो आपको लिखना चाहिए अभी के लिए पॉइंट ए बी सी को मार्क कीजिए एकदम बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के ए बी एंड सी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को आप सेफ गार्ड करना चाहेंगे वेल टेस्टेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उनको ही परस्यू करना चाहेंगे सेम बिजनेस पाथ फॉलो करना चाहेंगे कोई बदलाव नहीं लाएंगे इससे ही कनेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स और मिलेंगे आपको पेज नंबर आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी सर यू विल स्टे द दर्ल्ड विद इन द सेम बिजनेस सिमिलर प्रोडक्ट ही बेचने वाले हैं कोई मेजर बदलाव नहीं आएगा नो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस इट इज अ सेफ स्ट्रेटजी, स्टेटस को मेंटेन करेंगे मतलब सेम पोजीशन को रिटेन करेंगे

पांच पॉइंट पिक कर सकते हैं कैरेक्टर सिक्स में से वापस से पिक एनी फोर पॉइंट विच यू विल बिलीव अब मैं आराम से लिख पाऊंगा एग्जाम के अंदर कैरेक्टर सिक्स में से लुक फॉर एनी फोर फाइव पॉइंट्स पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अभी दो ही क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है एक तो कैरेक्टरस्टिक्स दूसरा स्टेबिलिटी सूटेबल होगा या स्टेबिलिटी को क्यों कोई इंसान परस्यू करना चाहेगा वाई स्टेबिलिटी उसका, आना चाहिए? उसका दो तीन जगह से पिक करना पड़ेगा रीजन में कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे प्लस इसके अलावा एक सेंटेंस पहले यहां से मिलेगा यहां पर आइएगा फोर पॉइंट फोर अस्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज परस्यूड वेन जनरली कब परस्यू किया जाएगा जब हम सेम मार्केट को ही सर्व करना चाहते हैं सेम प्रोडक्ट को ही बेचना चाहते हैं तो मीनिंग है अब वो रीजन देगा जब प्रोडक्ट हैज रीचड मार्क द वर्ड मेचोरिटी स्टेज एंड आपके पास में क्या है सफिशियंट मार्केट शेयर है पॉइंट नंबर बी को मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैज रीच द मेचोरिटी स्टेज इसीलिए ग्रोथ एक्सपेंशन भी आपके लिए सुटेबल नहीं है एंड आपके पास में अच्छा खासा क्या है मार्केट शेयर है इसलिए आप क्या चाहते हो रिटेन करना क्या इसे इट साउंड लाइक कैश काउ के लिए आपके लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अच्छा होगा

फिर ये पॉइंट नंबर सी और डी जो है ना ये अलग ही कॉन्सेप्ट है दिस कैन बी अ सेपरेट टू क्वेश्चन। वो पूछेगा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या डू नथिंग स्ट्रेटजी है पॉइंट नंबर डी विल बिकम अ क्वेश्चन आंसर विल बी ओनली पॉइंट नंबर सी पॉइंट नंबर सी देखो क्या बोलता है बिजनेस को अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा दे हैव टू यू नो पेस पेस मतलब यू हैव टू बी यू नो कैचअप

प्लस नॉट जस्ट दिस हमारे पास अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है इसीलिए स्टेबिलिटी फायदा है अरे प्रोडक्ट तो मेच्योरिटी फेज में आ जाएगा मार्केट शेयर बहुत कम है तो स्टेबिलाईज करके भी क्या फायदा होगा क्या ना इसे वहां से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए यू शुड डाइवेट दोजनेसेस एज क्विकली एज पॉसिबल क्योंकि आपके पास मार्केट शेयर भी क्या होगा कम होगा अगर अच्छा खासा मार्केट शेयर है तो ही स्टेबिलाईज करके फायदा होने वाला है इस पॉइंट नंबर एक लेटू यू नंबर बी मतलब ठीक है स्टाफ को ज्यादा कंफर्टेबल लगता है सर विद द स्टेटस को मतलब दे डू नॉट लाइक चेंज दे आर मोर हैप्पी दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद द एग्जिस्टिंग स्टेटस को का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं लाना सेम सिचुएशन को क्या करना कंटिन्यू करना दैट इज कॉल्ड एज स्टेटस को क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तो स्टाफ शायद ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा या सर पॉइंट नंबर डी इंटरेस्टिंग है समझने के लिए कभी कभी शायद एडवाइसिबल नहीं होगा टू एक्सपैंड क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन करने के लिए गए तो आपके बिजनेस के लिए वो थ्रेटनिंग हो सकता है है, ये जनरली तब होता है जब एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है आप अभी एक्सपेंशन करने के लिए जाओगे, in आपको बोल रहा है, को कर दो, अभी एक्सपेंशन के लिए मत जाओ थोड़ा आपका बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो शांत हो जाना चाहिए डाउन हो जाना चाहिए तब जाकर के आप एक्सपेंशन के लिए जा सकते हो मे बी वेन देर इज लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी इन द बिजनेस एनवायरमेंट बहुत बदलाव अगर आ रहा है तो अभी शायद आपके लिए एक्सपेंशन सही नहीं होगा एक्सपेंशन के लिए आपको भी देखने होते हैं. वो बोल रहा है स्टेबिलिटी तो बचता है? है अगर आपके पास में अच्छा मार्केट शेयर ध्यान रखना इन सबके लिए कंडीशन है इफ यू डों गुड मार्केट शेयर स्टेबिलाई करके कोई फायदा होने वाला नहीं है टू यू लास्ट पॉइंट पॉइंट समझ लीजिएगा एक नंबर ई e, मेरे से वो एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है पॉइंट नंबर ई क्या बोलता है सुनिएगा कभी कभी एक बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने के बाद में लेट्स से फ्रॉम वन कंट्री दे यू नो लेट्स से माइग्रेट एंड देन लेट्स से स्टार्ट देर बिजनेस इन मोर देन टेन फिफ्टीन कंट्रीज जरूरी नहीं है हर बिजनेस को हर कंट्री में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इट मे वर्क इन सर्टन कंट्रीज इट मे नॉट वर्क इन सर्टन कंट्रीज तो ऐसा बोलते हैं है कि आप एक बार कंसोलिडेट कर लो मतलब सडनली आपने फोर स्टोर से फोर हंड्रेड स्टोर जरूरी नहीं है एडिशनल थ्री नाइन सिक्स स्टोर्स सारे के सारे प्रॉफिटेबल रहेंगे हो सकता है उनमें से कुछ कंप्लीटली लॉस मेकिंग स्टोर रहने वाले हैं तो स्टेबिलाईज करोगे कंसोल्ट

अभी के लिए इन मेरे ए इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए पॉइंट नंबर बी लिख सकते हो स्टाफ वाला एंड पॉइंट नंबर डी कभी कभी शायद एडवाइसिबल ही नहीं है एक्सपैंड करने का तो शायद आपके पास में स्टेबिलिटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा दो क्वेश्चंस हैं कैरेक्टर सिक्स लिखने के लिए चार पॉइंट आने चाहिए या वाई स्टेबिलिटी वेन डू थिंक स्टेबिलिटी सूटेबल उसका आंसर लिखने के लिए ऊपर ये पॉइंट नंबर बी आना चाहिए एंड नीचे रीजन में से एनी टू पॉइंट शुड बी सफिशियंट फॉर यू इज आर क्लियर योर टू मिनट्स रिवाइज स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से खत्म हो गया नेक्स्ट वन ठीक है चलो लेट्स गो टू एक्सपेंशन मेरे हिसाब से एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट है सुनिएगा अच्छे से पहले आपको बेसिक एक्सपेंशन स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्या वो समझाता हूं फिर हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन एक्सपेंशन पे होगा देखो ऐसा बोल सकते हो एक्सपेंशन इज ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी यहां पर आपको लगता है नए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना है प्रोडक्ट्स को बदलने का ट्राई करोगे नए मार्केट्स में एंटर करने का ट्राई करोगे बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जंप इन योर ऑपरेशन आपका जो सेम स्केल है ना वहां से आप ऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं शायद तो सेम प्रोडक्ट में डील करेंगे या मे बी नए मार्केट के अंदर एंटर करेंगे विद न्यू प्रोडक्ट्स ये आपका चॉइस रहेगा प्रोडक्ट्स चेंज करना है या सिर्फ मार्केट चेंज करना है या दोनों चेंज करना है दैट डज नॉट मैटर एक्सपेंशन

एक एक्सपेक्टेशन होता है हर बिजनेस का इसीलिए एक्सपेंशन होगा तब वो शायद रिट्रेंचमेंट आर टफ चॉइसेस बाई डिफॉल्ट चॉइस इज ऑलवेज योर एक्सपेंशन और ग्रोथ कुछ पॉइंट्स को मार्क कीजिएगा एटलीस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन समझेगा फिर हम एग्जाम पॉइंट से डिस्कशन शुरू करेंगे देखिए सर, एक्सपेंशन ग्रोथ में क्या हमारा बिजनेस रीडिफाइन होने वाला है एब्सोल्यूटली क्या हमें यहां पे हमारे गोल्स एंड डायरेक्शंस बदलने पड़ सकते हैं येस yes. Will it require major new investments? Absolutely. Can I say नया market, नया technology हमें शायद explore करना पड़ सकता है हाँ Can I say that is why it's going to be a relatively unknown and risky path, which is full of promises and pitfalls. मतलब सर यहां पर obviously higher the risk, higher the reward situation रहेगा Risk भी बहुत ज्यादा रहेगा and आपको significant rewards भी मिलेंगे वही चीज वापस से character सिक्स में लिखा होगा कुछ words को mark करता हूं Opposite of stability, Risk and rewards will be high in expansion. You will renew your firm through fresh investments. फिर आप लोग अपने बिजनेस को रीडिफाइन करेंगे एंड इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी पाथ फॉर एक्सपेंशन एक्सपेंशन के बहुत तरीके होते हैं यार मैं बोलूंगा सेम प्रोडक्ट ही मुझे दुनिया में बेचना है या मैं बोलूंगा यह प्रोडक्ट मुझे इस कंट्री में बेचना है हर कंट्री में अलग तरीके से प्रोडक्ट बेचना है सो इट्स अ डिफरेंट चॉइस फॉर एवरी बिजनेस द पाथ ऑफ एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंट दैट इज वाई देर इज नो वन सिंगल पाथ स्टेबिलिटी

नॉट अ वेरी कॉमन वन बट हाँ चार पांच अटेम्प में कोई एक आध बार आने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है, इज यू डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन आगे बढ़े बिफोर आई प्रोसीड आपके लिए सिंपल समरी बनाया हैं पहले वो देखिएगा वरना वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आप आईसीआई ने जिस तरीके से लिखा है मस्त सुपर कंफ्यूज हो जाओगे एंड uh, मेरे सबसे कुछ कुछ गलतियां भी है उन्होंने शायद वापस से इंप्रूव करना चाहिए मटेरियल को पहले सब अच्छा था फिर उन्होंने वापस से से जो नया सिलेबस बनाया इधर थोड़ी गलतियां कर दी है मेरे सब सही में रखे हैं पर थोड़ा क्लासिफिकेशन वगैरह गलत कर दिया है ठीक है अभी नहीं करते जो है आपको बता देंगे जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो भी आपको बता देंगे बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेने का एग्जाम में गलतियां क्या ढूंढने का जरूरत नहीं है चुपचाप आंसर लिखने का है सर टाइप्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन ग्रोथ अचीव करने के तरीके क्या है ब्रॉडर दो पार्ट्स हैं पहला होगा

अलायंस करने का ट्राई करोगे मतलब एक थर्ड पार्टी बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्वड होगा तो ये बोलता है उस केस में स्ट्रेटजी क्या कहलाएगा एक्सटर्नल कहलाएगा जब आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो तो एक्सटर्नल हो जाएगा व्हेन इट इज ओनली एंड ओनली योर इंटरनल रिसोर्सेज वी विल से इट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल स्ट्रेटजी ऐसा दो ब्रॉडर बाइफरकेशन है अब सर पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स में दो बनाया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल अभी डिस्कशन किसके ऊपर होगा सिर्फ इंटरनल पे किस पे डिस्कशन होगा इंटरनल इंटरनल को दो पार्ट में डिवाइड करके दिया है वन इज कॉल्ड एस इंटेंसिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एस डाइवर्सिफिकेशन एक है इंटेंसिफिकेशन दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन दोनों किसका पार्ट है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी का पार्ट है दोनों किसका पार्ट है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी अब इसमें इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है हैव यू दिस वर्ड इंटेंसिफाइंग समथिंग दैट मींस इंक्रीजिंग द प्रेशर तो आप जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हो ना एग्जिस्टिंग जो ऑपरेशन में काम कर रहे हो ना थोड़ा प्रेशर बिल्ड करके उस ऑपरेशन को बढ़ाना चाहोगे ये इंटेंसिफिकेशन एक तरीके से एनसॉफ मॉडल है कौन सा मॉडल है एनसॉफ कल ही पढ़ाया था आपको एनसॉफ ने चार ऑप्शन दिए थे या सेम, को नए मार्केट में बेचो, या सर, सेम मार्केट में नया प्रोडक्ट बेचो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट लास्ट उसने बोला था डाइवर्सिफिकेशन वो यहां पे इग्नोर किया गया है बिल्कुल लॉजिकल है एनसॉफ्ट ने बेसिकली तीन ही आपको रिकमेंडेशन दिए हैं याद कीजिएगा एनसॉफ्ट का अप्रोच ग्रोथ था

इसका पार्ट है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी का यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इंटरनल में इंटेंसिफिकेशन आना चाहिए मैं डिसएग्री करता ही नहीं हूं इंटरनल मतलब डिसीजन रिसोर्सेस सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ये तीनों के तीनों डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन खुद इंडिविजुअली ले सकता है इंटरनली ले सकता है इसीलिए इंटेंसिफिकेशन शुड बी पार्ट ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी इज दिस क्लियर टू यू अभी तक जो बताया पहले वो बोलता हूं से मेरे साथ रीड कीजिएगा मार्किंग कीजिएगा ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मेजर डिस्कशन करना होगा डाइवर्सिफिकेशन पे बिफोर वी गो देर लेट्स क्विकली रीड दिस वंस एक बार पढ़ के क्लोज कर देते हैं आइए आपके मॉड्यूल्स में आइए देखिए पॉइंट नंबर एफ जो जो बोलता हूं एक बार रीड कीजिएगा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के दो रूट्स हो सकते हैं आई से वो बोलता है एक है इंटेंसिफिकेशन दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन बट ये दोनों के दोनों जो है ना ये भी इंटरनल के पार्ट है किसके पार्ट है इंटरनल तो सर यहां पे आइए टाइप्स ऑफ ग्रोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल में क्या दो ऑप्शन दिए हैं इंटेंसिफिकेशन एंडी इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल में दो ऑप्शन पहले कौन सा पढ़ाया आपको इंटेंसिफिकेशन ये कुछ नहीं आपका एनसॉफ का अप्रोच है किसका अप्रोच है एनसॉफ का अप्रोच पढ़िए जब आप expand करते हैं इंटेंसिफिकेशन मतलब organization tries to grow mark the word internally मतलब वो अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को क्या करना चाहता है इंटेंसिफाई मतलब है ना, उनको ही करके मैं मेरे में ज्यादा बेचूंगा या सेम प्रोडक्ट किसी और मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा या इस मार्केट के लिए कोई नया प्रोडक्ट ला करके बेचने का ट्राई करूंगा सब कुछ इंटरनल डिसीजन होगा बट मेरे को मेरा स्केल क्या करना है बढ़ाने का है दिस इज कॉल्ड एज एक्स

एक बार एक एक लाइन पढ़ के देख लीजिए इट विल साउंड लाइक एग्जैक्टली वॉट वी डिस्कस्ड यस्टरडे ठीक है ग्रेट नहीं है ऐसा जूम कर लीजिएगा इंटेंसिफिकेशन इज इक्वल्स टू एंस ऑफ मॉडल एंड ऑफ अस फोर ऑप्शन तीन ही चीज के ऊपर क्योंकि फोर्थ वाला अलग से आगे डिस्कशन होगा दैट इज इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन दिस क्लियर टू यू चलिए आगे बढ़ते हैं सर अभी इंटरनल में ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है फर्स्ट वन इज इंटेंसिफिकेशन द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है अब जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग मार्केट में डील कर रहे हो अब इसके बियॉन्ड जाना चाहते हो मतलब या तो आप सेम मार्केट में कुछ नया जेन्युनली इट साउंड्स लाइक एन

करना शुरू करेंगे इंडिविजुअल डाइवर्सिफिकेशन के एग्जांपल्स देंगे आपको बाहर की पार्टीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी डाइवर्सिफिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डजेंट मैटर राइट नाउ वॉट इज डाइवर्सिफिकेशन एंड वाई डाइवर्सिफिकेशन सिंपल शब्दों में जो मैं एग्जिटिंग प्रोडक्ट बी न्यू मार्केट्स मे बी न्यू न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज और मे बी कंप्लीटली न्यू बिजनेस ऑल टूगेदर दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन एक बिजनेस डाइवर्सिफाई क्यों करता है आपने सुना होगा रिस्क को रिड्यूस करने के लिए रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो उस पर डिपेंडेंट हो मार्केट और टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आपका इन वन डायरेक्शन थोड़ा बहुत अपने अपने रिसोर्सेस को अपने एफर्ट्स को दूसरे बिजनेस में डालना चाहिए दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन तो सर डाइवर्सिफिकेशन एक कंपनी क्यों सोचेगा जनरली ये डाइवर्सिफिकेशन का थॉट पता कब आता है जब एक कंपनी को रियलाइज हो रहा है वी हैव इंक्लूड करना चाहिए तब नॉर्मलीफाई करना चाहता है पहला रीजनिव दे रिसोर्सिलाईज रिसोर्स कुछ ना कुछ नया धंधा शुरू करते हैं इट कैन बी कनेक्टेड टू माई एक्टिंग बिजनेस इट कैन बी अनरिलेटेड टू माई एक्टिंग बिजनेस का डिसीजन होगा सिमिलर बिजनेस के ही कोई नया काम करना है या कोई नया ही करना है अंडर यूटिलाईज है, है तो मैं क्या करना चाहूंगा डाइवर्सिफाई करना चाहूंगा दूसरा रीजन अगर मुझे लगता है कि सर ये जो बिजनेस के अंदर मैं हूं ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए ग्रो करने के लिए आपको दूसरे बिजनेस से इनडायरेक्टली थोड़ा पुश मिलता है थोड़ा बेनिफिट मिलता है थोड़ा फायदा मिलता है, तो हम बोलते हैं उसको सिनर्जिस्टिक सिनर्जिस्टिक बेनिफिट। बेनिफिट। क्या बोलते हैं? मतलब वो इसको भी फायदा दे रहे हैं हेल्प दे रहे हैं तो आपको थोड़ा एक बेनिफिट मिल जाएगा डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे आपको लगता है शायद सेम प्रोडक्ट बेचते रहेंगे तो शायद

पहले पॉइंट नंबर इट्स योर डेफिनेशन मतलब एंट्री इनटू न्यू प्रोडक्ट्स न्यू प्रोडक्ट लाइंस न्यू सर्विसेज न्यू स्किल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा नया टेक्नोलॉजी नया नॉलेज सब कुछ आपको आना चाहिए दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन सर वाई वुड यू वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई टू रीजन नंबर वन पॉइंट नंबर फाइव देखिएगा डाइवर्सिफिकेशन इज अस ऑफ यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग एक्सेसिव फैसिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज मतलब कुछ हमारे पास कैपेबिलिटीज है रिसोर्सेस जो ज्यादा है और हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं एक्सेसिव है, है मतलब इस्तेमाल कर पाएंगे अगर शायद कोई एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे एडिशनल प्रोडक्ट बनाने का भी शुरुआत कर देंगे इसीलिए मे भी आप डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे पॉइंट नंबर सेवन अनदर रीजन फॉर डाइवर्स एक्टिविटी के साथ शुरू करूंगा क्या करेगा हेल्प करेगा तो सिनर्जिस्टिक एडवांटेज आपको मिलेगा सोचे ना यार सिंपल चीज कोई भी आप अपना यू नो सी एफ का भी देख लीजिएगा रेफरेंसार्ट देस थिंक अबाउट ऑब्वियसली प्रैक्टिस बट दे डोट जस्ट प्रोवाइड ओनली वन सर्विस धीरे धीरे वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट फॉर्म करना शुरू कर देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है वंस यू हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ क्लाइंट उसको एक ही सर्विस क्यों प्रोवाइड करना है दूसरी सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए एंड रियलाइज स्टैट्यूटरी ऑडिट अलावा बाकी सब दिया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और पैसा भी ज्यादा है आई टोल्ड यू बिकॉज ऑब्वियसली विद्यूटरी ऑडिट वन फोर्टी आता है बट बाकी अदर सर्विसेस कितनी भी प्रोवाइड कर रहे हो ना कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है ऑडिट के अलावा बाकी सब तो प्रोवाइड कर ही सकते हो आप सो इन सिंपल टर्म्स एक बिजनेस को धीरे धीरे रिलाइज होता है कि क्यों ना हमने ग्रो करने का ट्राई करना चाहिए एडिशनल सर्विसेज को को हमारे पोर्टफोलियो में ऐड ऐड करना चाहिए जितनी चीजें करते जाएंगे उतना ज्यादा हम वैल्यू एडिशन कस्टमर देंगे और कस्टमर हमारे साथ में क्या रहेगा रिटेन रहेगा लॉयल्टी इंश्योर करना ईजी हो जाएगा इसीलिए वो अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना चाहेगा मतलब सिनर्जी का फायदा उठाना चाहेगा दीज आर द टू रीजन आपको पॉइंट नंबर थ्री आना चाहिए फाइव आना चाहिए सेवन आना चाहिए मीनिंग मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वाई एक्सेसिव फैसिलिटीज होगी उन्हें यूज करना चाहते हो या सिनर्जिस्टिक एडवांटेज अचीव करना चाहते हो इसीलिए आप डाइवर्सिफाई करना चाहोगे क्लियरली यू शुड नो थ्री पॉइंट थ्री फाइव एंड सेवन पढ़ लीजिए तीनों को एक बार अगर कंफर्टेबल हो तो हम टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पे जाएंगे इन्होंने आगे बढ़े डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स लिखे पहला वाला कॉन्सेंट्रिक दूसरा वाला कॉन्ग्लोमेरेट एंड तीसरा टाइप पता नहीं कैसे आया डाइवर्सिफिकेशन में लिखा एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन इनोवेशन एक अलग वर्ड है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है पर वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इन्होंने अपने मॉड्यूल में मतलब आईसीआई के मॉड्यूल में इसलिए मैंने भी सेम कंट्रोल से कंट्रोल भी किया है मेरी भी हिम्मत नहीं कुछ और लिखने का क्लियरली डाइवर्सिफिकेशन क्या क्या है कॉन्सेंट्रिक हैंग्लोमेरिटेन तीसरा वाला भी डाइवर्सिफिकेशन है और खुद को समझ में आया डाइवर्सिफिकेशन इसलिए बोला एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है वो अलग कॉन्सेप्ट है वो क्या है अलग कॉन्सेप्ट उसको साइड में कर दो अभी फोकस करो दो वर्ड में कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरिट एक्चुअली में चार डाइवर्सिफिकेशन होते हैं एक होता है वर्टिकल एक होता है हॉरिजॉन्टल तीसरा होता है कॉन्सेंट्रिक एंड द फोर्थ वन इज कॉन्ग्लोमेरिट इन्होंने बेसिकली पता क्या बोलना चाहिए था डाइवर्सिफिकेशन के होते हैं दो टाइप एक बोलना चाहिए था रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड दूसरा बोलना चाहिए था अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलना चाहिए रिलेटेड एंड अनरिलेटेड अनरिलेटेड एक ही होता है कॉन्ग्लोमेरिट रिलेटेड में तीन ऑप्शन आ सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्सेंट्रिक उन्होंने बोला कॉन्सेंट्रिक के अंदर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डाल दीजिए जाने तो दिमाग मत लगाओ आर्ग्य मत करो ये अपने खुद के पुराने क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उन्होंने ये तक बोला था डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रिक एंड वर्टिकल अब वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वही जानते हैं जब ये बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रिक इंक्लूड्स वर्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिस उन्होंने खुद ही क्वेश्चन पूछा एग्जाम में चार मार्क के लिए डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड कॉन्सेंट्रिक और आज वो बोल रहे हैं वर्टिकल इज पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक इग्नोर डाइवर्सिफिकेशन चार कौन कौन सा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक एंड द लास्ट वन कांग्लोमेरिट इसमें से अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एक ही दैट इज कॉन्ग्लोमेरिट अनरिलेटेड अन रिलेलेटेड कौ एक गौल रिलेटेड कौन कौन से तीन कौन कौन सा वर्टिकल हॉरिजोटल एंड कॉन्सेंट्रेट चारों का एक ओवरव्यू देता हूं सुनिएगा शांति से क्या बोलता है आपके मॉड्यूल में आइए एक डायग्राम मिलेगा आपको भेजना फोर पॉइंट वन जीरो फोर पॉइंट वन जीरो दिस दिस इज अ सीक्वेंस कि भाई नॉर्मली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल एंड अदर इंटरमीडिएट गुड्स प्रोक्योर करता है फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में थोड़ा मार्केटिंग सेल्स करके अपने गुड्स को बेचने का ट्राई करता है यह बता रहा है एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का ओवरऑल प्रोसेस क्या है स्टार्ट विथ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स

क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट प्रोसेस चेन अगर मैं बोलूं आप इस चेन मतलब इस प्रोसेस के अंदर ही रहने वाले हो आप करंटली एक मैन्युफैक्चरर हो करंटली आप क्या हो एक मैन्युफैक्चरर हो अब यहां से कुछ Maybe एक कदम पीछे जाना चाहते हो या मे बी एक कदम आगे जाना चाहते हो बट यू वॉन्ट टू बी इन द सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेंज दिसकेशन दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल अभी आप क्या हो मैन्युफेक्चर हो अब रॉ मटेरियल के लिए किसी पर डिपेंडेंट हो तो आप क्या करते हो रॉ मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही शुरू कर देते हो रॉ मटेरियल का काम भी खुद ही शुरू कर देते हो कहना okay, मैन्युफैक्चरिंग से एक कदम पीछे जा रहे हो यू आर गोइंग टूवर्ड्स द इनपुट यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सोर्स

में लाना चाहते हो धीरे धीरे आफ्टर सेल सर्विस भी अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो यू टू दिस बिजनेस यू आर मूविंग फॉरवर्ड यू आर मूविंग फॉरवर्ड बट आर यू स्टिल इन द सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन यस दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन दिस कॉल्ड एज वर्टिकली इंटीग्रेटेड आर यू इन द सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेंज ये इधर मूविंग बैकवर्ड और मूविंग फॉरवर्ड ये दोनों चीजें वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है किसका पार्ट है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन आइए पेज नंबर फोर पॉइंट नाइन रीड द फर्स्ट वन वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फर्स्ट लाइन को माफ कीजिए फर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन दैट आर रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब सर ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है यू विल रिमेन वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस या तो फॉरवर्ड मूव करेंगे या बैकवर्ड मूव करेंगे मतलब यू विल रिमेन इन द सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेंट इधर मूविंग बैकवर्ड और मूविंग फॉरवर्ड कैन आई से नॉर्मली द फर्म Does not jump outside the vertically linked product process chain. आप उस चेन का ही पार्ट रहेंगे आप उस एक वर्टिकल सीक्वेंस से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं अगर मैन्युफैक्चरर हो तो शायद रॉ मटेरियल वाला काम करना चाहते हो मैन्युफैक्चरर हो शायद डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो पर बिजनेस सेम ही करना चाहते हो इट इज अ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन यू आर चेंजिंग द एक्टिविटी बट यू आर नॉट चेंजिंग द इंडस्ट्री You are changing the activity. You are a manufacturer, now you are a raw metal supplier also. You are a manufacturer, now you control the distribution channel also. But aap ultimately, business kendra kya ho? same he This is called as vertically integrated diversification. This includes forward or backward integration. This includes forward or backward. Now, what is forward or backward? Agli page 4.10. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मिलेगा एक एक लाइन को मार्क कीजिएगा बैकवर्ड में क्या बोलता है यू आर कंसर्नड विथ क्रिएटिंग इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग बिजनेस ऑफ मार्क दर्ड इनपुट प्रोवाइडर्स मतलब इन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो इनपुट चाहिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बिजनेस अब आप क्या करना चाहते हो खुद ही करना चाहते हो मतलब यू वॉन्ट टू गो बैकवर्ड एंड एंटर इन द इनपुट बिजनेस वी कैन से इनपुट का एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एक बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन एक बिजनेस है अब आप करंटली मैन्युफैक्चरर हो इनपुट वाला काम आप करना चाहते हो, हो सकता है तीनों आपके पास में आ गया तो हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन आपके कंट्रोल में है अब आपको इसके अलावा दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ही करना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है नॉर्मली मैन्युफैक्चरर पहले बैकवर्ड जाता है फिर फॉरवर्ड जाता है क्योंकि रॉ मटेरियल पे हेवी डिपेंडेंसी होती है वो बढ़िया क्वालिटी अवेलेबल नहीं है वो टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा इसलिए मैन्युफैक्चर पहले कहां जाता है बैकवर्ड जाता है मतलब आप क्या कर रहे हो इफेक्टिव सप्लाई क्रिएट करना चाहते हो बाई एंटरिंग इन द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर मतलब एक कंपनी परचेस करेगा या बिल्ड करेगा क्या अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले बिजनेस को ताकि उसको सप्लाई के ऊपर क्या आ जाएगा ओवरऑल कंट्रोल आ जाएगा प्लस कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट को आप रिड्यूस नहीं कर सकते अनलेस यू ओन द रॉ मटेरियल आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्योंकि आपके लिए अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल एसेंशियल है फॉर द फिनिश गुड्स अगर रॉ मटेरियल का बिजनेस ही आपके कंट्रोल में रहेगा तो शायद इट विल बिकम लाइक प्रोसेस वन का आउटपुट गोज टू प्रोसेस टू प्रोसेस टू का आउटपुट गोज टू प्रोसेस थ्री प्रोसेस थ्री का आउटपुट इज योर फिनिश गुड्स न बी सोल्ड इन द मार्केट प्रोसेस कॉस्टिंग नो तो जब तक आप फाइनल प्रोसेस तक नहीं पहुंचते फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस तब तक हम बोलेंगे वो वर्टिकल लिंक आपके कंट्रोल में नहीं आता है पीछे जाना इस कॉल्ड एस बैकवर्ड जब आप अगले कदम पे आगे जाते हैं मतलब सर मूविंग फॉरवर्ड इन वैल्यू चेन मतलब एंटरिंग बिजनेस लाइन जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज करते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अक्वायर करोगे आफ्टर सेल सर्विस जो देते होंगे केपी वगैरह जो बिजनेस रहेगा उसको आप अक्वायर करना चाहोगे कॉमेडी मतलब बीकॉम लेवल एग्जाम्पल कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर अपने खुद के कैफे खोलना शुरू कर देगा सी सी डी यार इट्स क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस ओके दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन मेरे को इधर एक लाइन आनी चाहिए इधर एक लाइन इनपुट प्रोवाइडर वाले बिजनेस में एंटर करना है वो आना चाहिए एंड इधर दो लाइन आनी चाहिए वाट इज पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी नंबर ए रिलेटेड बिजनेस से कनेक्टेड बिजनेस में काम करूंगा और दूसरे में क्या बोल रहा है सेम प्रोसेस सीक्वेंस में रहूंगा इधर मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्टिकली इंटीग्रेटेड ए एंड बी बैकवर्ड पहले दो लाइन फॉरवर्ड दिस लाइन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वेन अ ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स इन टू बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उतना ही कंटेंट है ज्यादा लिखा ही नहीं है कोई स्ट्रेस वाला जरूरत ही नहीं है मीनिंग पता होना चाहिए एक लाइन आना चाहिए सर ये कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेश इनके हिसाब से ये पूरा जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है ये किसका पार्ट है कॉन्सेंट्रिक का पार्ट जो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक अभी तक क्या पढ़ाया है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन दूसरा वाला देखिए क्या लिख रहा है हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन ये देखो क्या बोलता है डाइवर्सिफाई करो इस बार पर सुनिए आप कैसे डाइवर्सिफाई करोगे प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में यू आर करंटली अ मैन्युफैक्चरर यू आर करंटली अ मैन्युफैक्चरर तो अब एक काम करो दूसरे बिजनेस को खरीदो या मर्ज हो जाओ बट वो भी मैन्युफैक्चर ही होना चाहिए मतलब जो सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो कंटिन्यू करो डू नॉट मूव बैकवर्ड डू नॉट मूव फॉरवर्ड बेसिकली इससे आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो अरे सेम प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हो करंटली यू हैव ट्वेंटी वन आईडिया वर डिफरेंट दे केम टूगेदर दैट समथिंग बट हॉरिजोंटली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन इट वॉज नॉट अ डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली फॉर देम इट वॉज नो ऑप्शन

मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए द सब्स्टिट्यूट ऑफ ए इज बी अक्वायर द मैन्युफैक्चर ऑफ बी ऑल्सो सो टेक्निकली द सेम टारगेट मार्केट हु शिफ्टेड टू प्रोडक्ट बी विल रिमेन विथ यू इनरेस्पेक्टिव ऑफ ए और बी समझा के बट अभी भी एक मैन्युफैक्चर ने दूसरे मैन्युफैक्चर को खरीदा है एक मैन्युफैक्चरर ने दूसरे मैन्युफैक्चरर को खरीदा अल्टीमेटली वो जो मार्केट शेयर है वो बढ़ना चाहिए चाहे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो या उसका सब्सिड्यूट बेच रहे हो पर काम मैन्युफैक्चरिंग करोगे पीछे वाला काम आप नहीं करने वाले हो वो करोगे तो हॉरिजोंटल नहीं कहलाएगा क्या कहलाएगा वर्टिकल कहलाएगा हॉरिजोंटल में आइए एक लाइन को मार्क कीजिए एक ही लाइन है फॉर्म गेट्स हॉरिजोंटली डाइवर्सिफाइड बाई इंटीग्रेटिंग थ्रू एक्विजिशन of one or more similar businesses mark the word operating at same stage operating at same stage ऑफ प्रोडक्ट मार्केट चेन मतलब सर स्टेज सेम होना चाहिए एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को खरीदेगा एक मार्केटिंग कंपनी दूसरे मार्केटिंग कंपनी को खरीदेगी एक रॉ मटेरियल बनाने वाला कंपनी दूसरे रॉ मटेरियल सप्लायर को खरीदेगा मतलब दे आर यू नो बाइंग एप्पल टू एप्पल मतलब सेम प्रोडक्ट सेम काम करने वाले दूसरे बिजनेस को खरीदना चाहोगे या उससे मर्ज होना चाहोगे अब एक बात सुनो जब खरीदने की बात आ गई डोंट यू थिंक ये एक्सटर्नल हो गया तो ये डाइवर्सिफिकेशन किधर नहीं आना चाहिए इंटरनल में नहीं आना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन अलग कॉन्सेप्ट है इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारे बुक में शुरुआत कहां से हुआ इंटरनल से एक्सपेंशन दो तरीका इंटरनल एंड एक्सटर्नल हम डिस्कस क्या कर हैं इंटरनल इंटरनल में दो ऑप्शन इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इंटेंसिफिकेशन इज एंस ऑफ

एक बिजनेस कर रहे हैं आपने एक अच्छा टेक्नोलॉजी बिल्ड किया आपने में भी अच्छा आपने भी भी में भी आपने एक एक अच्छा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया, बनाया, बढ़िया मार्केटिंग डिपार्टमेंट या ब्रांड ब्रांड वैल्यू वैल्यू क्रिएट किया, इस के इस के पे, इस के बेसिस बेसिस पे, टेक्नोलॉजी उ मतलब बिस्किट का चूरा करके बॉर्टा मिल्क में नहीं बना सकते हो आई मीन यू कैन डू दिस बीन दे आर टू डिफ्रेंट प्रोडक्ट ऑल टूगेर आई होप यू अंडस्टैंडिंग दिस मतलब बॉटम लाइन न हैव मे बी अमन ब्रांड नेम मे बी यू कैन है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप ऑलरेडी प्रोडक्ट को बढ़िया से बेच रहे हो अब आप कुछ ना कुछ कॉमन चीज को यूज करते हुए नए प्रोडक्ट में एंटर करना चाहते हो मतलब कॉन्सेंट्रिक में आई एम अ मैन्युफैक्चर एंड इस बार में ना इस लाइन से बाहर निकल करके कोई नया प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं क्या करना चाहता हूं नया ही प्रोडक्ट बट नया प्रोडक्ट ना मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से कनेक्टेड है मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से क्या है कनेक्टेड है या तो टेक्नोलॉजी होगा या तो क्या होगा टेक्नोलॉजी you know right? डिलीवरी भी मिलता है और साथ साथ में प्राइम का एक्सेस भी मिलता है ब्रांड नेम इन कुछ ना कुछ आप एक कॉमन चीज बिल्ड कीजिए उसके अराउंड नए नए बिजनेस बनाते जाइए इट्स लाइक दिस

ज लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस या तो कॉमन प्रोसेस रहेगा कॉमन टेक रहेगा कॉमन मार्केटिंग कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉमन ब्रांड नेम इट कैन बी एनीथिंग बट अ न्यू बिजनेस हैज कनेक्शन और रिलेशनशिप होंगे ताकि हमें क्या मिलेगा सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा क्योंकि एक चीज के नाम पे मल्टीपल चीज बेचने को आपको मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड इनके हिसाब से कॉन्सेंट्रिक को समझने के लिए समझना पड़ता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मैं ये मानता हूं समझने के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझना पड़ता है बट इसीलिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक का पार्ट है ये बोलना गलत है वर्टिकल इज डिफरेंट हॉरिजॉन्टल इज डिफरेंट ये दोनों के बाद ही कॉन्सेंट्रिक समझेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक में हम इस प्रोडक्ट लाइन से बाहर जा रहे हैं इस प्रोडक्ट लाइन से बाहर जा रहे हैं बट वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से किसी ना किसी तरीके से क्या होगा कनेक्टेड होगा पॉइंट नंबर टू को मार्क कीजिएगा पॉइंट नंबर फोर को मार्क कीजिएगा यू शुड नो दीज टू पॉइंट ये नोट जो मैंने लिख के दिया है इसे इग्नोर कीजिएगा ये मैंने डिफरेंशिएट करके लिख के दे दिया था बट जब उन्होंने बोल दिया कॉन्सेंट्रेट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आता है तो डिफरेंस तो उन्होंने पूछना नहीं चाहिए पूछ भी लिया तो सुनो वर्टिकल में सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन होता है में से बाहर निकल जाओगे यही डिफरेंस होता है समझा क्या डू यू अंडरस्टैंड वर्टिकल एंड समथिंग इज कॉमन फ्रॉम देयर यू आर इट्स लाइक अ स्पिन ऑफ पहले एक धंधा बनाया एक चीज बिल्ड किया अब यहां से आप अलग अलग चीजें बिल्ड एग्जाम्पल यार इतने दिन तो सोच रहा था फाइनली कल एक न्यूज आया क्रेड सीआरईडी अक्वाइड न्यू बिजनेस I forgot the name of the entity. एक बिजनेस को अक्वायर किया जो वेल्थ मैनेजमेंट का काम करता है क्या करता है वेल्थ मैनेजमेंट तो बेसिकली उसने क्या किया एक एप बिल्ड किया दुनिया के जो अपने कंट्री के हाई नेटवर्क इंडिविजुअल उनको बोला क्रेडिट कार्ड का बिल यहां से पे करो ताकि धीरे धीरे उनको आदत पड़ेगी नाउर पार्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म डिओ गेट में अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं ईटी मनी वाले फीचर्स लगा के दूंगा अब मैं बेसिकली बिजनेस मॉडल बिल्ड कर रहा हूं अभी तक मैंने इसे प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था अब क्या इसे इस प्लेटफॉर्म के अंदर बाकी चीजों को एड करता जाएगा मिक्सर मैच खेलते जाएगा

क्योंकि उनको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने में मजा आता है कि आप कुछ अलग ही कर रहे थे अब कुछ एकदम ही नया करने के लिए जा रहे हो ये कुछ तूफानी टाइप्स है तो कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है कॉन्ग्लोमेरिट इज कॉल्ड एज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इट इज कॉल्ड एज अनरिलेटेड मतलब सर कोई ऐसा नया धंधा करने के लिए जा रहे हो जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई रिलेशनशिप नहीं है कोई कनेक्शन नहीं है इट्स लाइक अ न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट ये इन सॉफ्ट के तरीके वाला डाइवर्सिफिकेशन है चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा ये बहुत टफ होता है यार मतलब बोलना बहुत आसान है अकॉर्डिंग टू मी दिस टफेस्ट पॉसिबल जॉब ओनली स्मॉल बिजनेस ये नहीं करते हैं जब एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप बन जाता है यू बिलीव एज अ ग्रुप यू हैव लॉड ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस अब अब नए नए इंडस्ट्री को टारगेट करते रहते हो बट एट अ स्मॉल स्केल एंट्रिंग इन टू अंप्लीटली न्यू बिजनेस ऑलवेज इज नॉट अजी जॉब राधा इट्स अ वेरी रिस्की जॉब रीट नंबर वन कांग्लोमेरिट इज नो लिंकेज रिलेटेड टू प्रोडक्ट मार्केट और टेक्नोलॉजी मतलब नया बिजनेस कंप्लीटली क्या होगा डिसज्वाइंटेड मतलब कंप्लीटली अनकनेक्टेड होगा विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और बिजनेस मतलब इट्स अ कंप्लीटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट नंबर वन को मार्क कर लीजिएगा फॉर द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्लोमेरिट फॉर द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्लोमेरिट हर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में एक लॉजिकल सेंटेंस लिखना आना चाहिए इफ यू कैन राइट दैट आप सही में कंफर्टेबल पोजिशन पर रहेंगे बिकॉज चार मक के लिए कॉन्क्लोमेट नहीं पूछेगा लिख भी दिया तो फर्स्ट पॉइंट के अराउंड दो पॉइंट लिखने का फॉर एग्जाम्पल देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इन द न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फालतू का एड कर सकते हो एक आध एक्साम्पल लिख सकते हो बाद में बट नॉर्मली चार मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा वो सिचुएशन देगा जहां पे दो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होंगे दो मार्क के लिए रहेगा और दो मार्क कोई तो और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन पूछेगा वर्टिकल पूछेगा हॉरिजोटल पूछेगा सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट मैक्सिमम टू पॉइंट ऑन अ रियल रियली हायर साइड नॉट बियॉन्ड दैट अभी के लिए थोड़ा एक बार रिविजन करते हैं कहां से शुरुआत किया था हमने सबसे पहले एक्सपेंशन उसमें दो ऑप्शन थे कौन कौन सा इंटरनल एंड एक्सटर्नल अभी तक डिस्कस क्या हुआ इंटरनल उसमें क्या क्या है सर इंटेंसिफिकेशन पूरा आ रहा पूरा? है Diversification. Diversification क्यों करेंगे सर? हमारे पास excess facilities पड़े हैं, yeah, चाहिए। इसमें सर ब्रॉडर कैटेगरी दो बना के दिए कौन कौन सी कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरिट कॉन्सेंट्रिक के अंदर क्या दो ऑप्शन दिए वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल वर्टिकल में दो ऑप्शन क्या है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इतना समझा क्या पक्का कन्फर्म है अब आ जाइए लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एस एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन ये डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट नहीं है पर मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है ये एडिशन है आपके सिलेबस में आपको इनोवेशन करना सिखा हैं चलिए वो क्या बोलेगा इनोवेशन इज ग्रेट कोई ना कोई केस स्टडी रहेगा वहां बोलेगा एक इंसान चाहता है इनोवेट करना उसको सपोर्ट करो इनोवेशन क्यों करना चाहिए ये तुम्हारा केस स्टडी बेस्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट लाइन को मार्क कर लीजिएगा जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोसेस को अपग्रेड करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं अपग्रेड मतलब वी वांट टू इंप्रूव इंप्रूव द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग बिजनेस योर क्यों करना चाहते हैं सर हर बिजनेस एक ही चीज चाहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होना चाहिए मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ये सब चीज अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए इनोवेशन चाहिए सर इनोवेशन क्या ऑफर करेगा इन अ लॉन्गर रन इनोवेशन विल ऑफर द फॉलोइंग तीन हेडिंग्स है आईसीआई को पसंद आएगा नंबर वन वो आपको आपके बिजनेस के अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा एक रूल याद रखना स्टार्टअप वर्ल्ड में हमेशा बोलते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट इज फाइंड अ प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम तो पहला चीज है फाइंड अ प्रॉब्लम दैट मीन्स योर टारगेट मार्केट मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग सर्टेन इश्यूज और कंसर्न उन्हें आप ढूंढिए उसको रिजोल्व करने का ट्राई कीजिए इनोवेशन आपको हेल्प करेगा नए तरीके ढूंढने का टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर टारगेट कस्टमर मतलब सर अंडरस्टैंड योर कस्टमर अंडरस्टैंड वॉट योर कस्टमर वॉन्ट अंडरस्टैंड आपके कस्टमर का आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है फिर इनोवेटिव तरीके से कोई नया सोल्यूशन डेवलप कीजिए जिससे शायद वो कस्टमर को बेहतर सर्विस मिल पाएगा तो सर इनोवेशन आपको हेल्प करेगा ये प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उन्हें बढ़िया तरीके से नए तरीके से सॉल्व करने के लिए नंबर हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स उसने इनोवेशन का हेल्प लेना चाहिए इनोवेशन आपको हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एंड ये सोल्यूशन कहलाएंगे कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सोल्यूशन मतलब थिंकिंग अबाउट द कस्टमर एंड इट शुड बी अ सस्टेनेबल सोल्यूशन मतलब ये एक बार के के लिए लिए या शॉर्ट टर्म टर्म नहीं होगा इट शुड बी अ लॉन्ग मतलब सर लुक फॉर अ कस्टमर बेस्ड प्रॉब्लम कम अप विद एंड सोल्यूशन शुड बी समथिंग दैट कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन विल से इट इज अ सस्टेनेबल सोल्यूशन पॉइंट नंबर वन समझा क्या इनोवेशन क्या ऑफर करेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ढूंढ के सॉल्व करने में हेल्प करेगा इज नंबर वन क्लियर टू यू दूसरा कैन यू सी वर्ड वर्ड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी सबसे कॉमन होता है बीपीए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हम जो धंधा कर रहे हैं हम इनोवेट क्या करना चाहेंगे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेंगे चीजों को ऑटोमेट करना चाहेंगे ताकि हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव होगा कॉस्ट कम होगा ऑपरेशन बढ़ जाएगा ओवरऑल हम बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस दे पाएंगे इसके लिए हम क्या करना चाहेंगे इनोवेट करना चाहेंगे एक लाइन को मक कीजिएगा इनोवेशन हेल्प इन सिंप्लीफिकेशन मतलब सर आप कुछ न कुछ रिपीटेटिव टास्क को क्या कर पाएंगे ऑटोमेट कर पाएंगे यहां से막 कीजिएगा इनोवेशन बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क एंड सिंपलीफाइंग योर लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेसेस धीरे-धीरे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होगा एग्जांपल दिया है एमएस एक्सेल का थैंक गॉड बाय यार एम इटस एट लीस्ट 20 इयर ओल्ड एज वन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे दूसरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाओगे तीसरा तो खतरनाक है इनको लगता है इनोवेशन इज द बेस्ट वे टू अचीव वॉट सर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने की जरूरत ही क्या थी पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव था क्या टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अब इधर वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का डिफाइन ही नहीं करेगा कुछ भी लिखेगा देखो नंबर सर सर इन इज अ नीड ओके एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट इनोवेशन इज ट तो रहेगा क्योंकि सर इतना वैल्यू क्रिएशन मिलेगा कि आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या पता क्या लिख रहा है ऑथर भी शायद नींद में थे बोला कंप्लीट तो करना पड़ेगा आंसर डू यू अंडरस्टैंड दिस तीन पॉइंट प्लीज तीनों के बारे में एक एक सेंटेंस चाहिए से इंपॉर्टेंट है।, से है मेरे सबसे इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए माक कर लीजिएगाइक फोर माक क्वेश्चन एंड थिंक में सेंटेंस क्या लिखेगा तीन हेडिंग के साथ में एक एक सेंटेंस क्या लिखेगा दो मिनट के लिए सोच लीजिए फिर हम जाएंगे एक्सटर्नल स्ट्रैटीज़ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है पहला वाला इज कॉल्ड एस मर्जर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एस मर्जर एंड एक्विजेशन यूजलेस है फ्रॉम एक्साम पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी आपको बता देंगे कुछ ग्रेट आंसर नहीं है बट एग्जाम के लिए अच्छा जो है वो ज्यादा जो कॉमनली पूछा जाता है वो अलायंस है है यहां पर ये बोलता इस बार आप डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचेंगे बट आप क्लियर है इंटरनली आप खुद से ये काम नहीं कर पाएंगे यू नीड थर्ड पार्टी और यू कैन मर्ज योर बिजनेस विद अनदर बिजनेस कैन आई से बेसिक मर्जर एंड एक्विशन सुना होगा आपने इनके हिसाब से जब एक्विजेशन होता है तो फोर्सफुली होता है एक बड़ा कंपनी छोटे कंपनी जबरदस्ती खरीदता है जबरदस्ती नहीं सामने लोग को बेचना होगा यार it is also possible i hope you understand this i'm getting good valuation i may want to sell it off and you know exit इट्स अ चॉइस बट इनके सबसे जबरदस्ती होता है जब आपको लगता है एक बड़ा स्ट्रॉगर ऑर्गेनाइजेशन छोटे अब इंडिविजुअुअली कम नहीं करेंगे हमारा एग्जिस्टिंग धंधा ही बंद कर देंगे साथ में आगे नया एंटिटी फॉर्म करेंगे और फिर बिजनेस कंटिन्यू करेंगे sure में आपको दोनों मर्जर एक्विजन पढ़ाया होगा इन्होंने यहाँ पे चार टाइप्स दिए हैं कौन कौन से सेम वही जो डाइवर्सिफिकेशन वाले हैं क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने के लिए एम एन एज करना ही पड़ता है यू कैन गो फॉर इधर वर्टिकल मर्जर यू कैन गो फॉर हॉरिजोटल यू कैन गो फॉर कॉन्सेंट्रिक का इधर फैंसी नाम है को जेनरिक सेम ही चीज है एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट जो सेम चार डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स थे वही चार टाइप्स है फॉर योर मर्जर एंड एक्विजेशन आइए एक एक लाइन को रीड कीजिए मस्त उड़ा दीजिए टाइम पास है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी सबसे पहले आएगा एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजेशन एक एक लाइन को मार्क करवाता हूं रीड करके क्लोज कीजिएगा मर्जर सम विल प्रेफर मर्जर वेरी नाइस पॉइंट नंबर बी में डेफिनेशन है When two or more companies come together to expand their business operation, generally ये एक friendly terms में दोनों company साथ में आके काम करना चाहेंगे existing धंधा खत्म हो जाएगा नया entity form होगा सारे assets transfer होंगे और सारा business अब यहां से combined business एक नए नाम पर continue किया जाएगा that is called as merger. एकदम logical है ऐसा होता है basic time पास clear है एक्विजेशन इनके सबसे प्रॉब्लम टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेन इट है अनफ्रेंडली मैनर में होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं डू यू अंडरस्टैंडन नीचा यह टाइप्स ऑफ मर्जन एंड एक्विजेशन सेम है वर्टिकल वर्टिकल में वही दोनों आएंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड थर्ड वाला कॉन्सेंट्रिक जगह नाम क्या है को जेनेरिक और लास्ट वाला कॉन्ग्लोमेरिट चाहिए तो मांग करके खत्म कर दीजिए कॉन्ग्लोमेरिट कंप्लीटली अनरिलेटेड अरे बराबर है कि नहीं है नो लिंकेज विथ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कैन आई से कॉन्सेंट्रिक के अंदर न्यू बिजनेस विल बी कनेक्टेड टू माई एग्जिस्टिंग बिजनेस को जेनरिक में देखिए टू और मोर एंटिटीज आर एसोसिएटेड इन सम और द अदर मैनर दे मे हैव कॉमन टेक्नोलॉजी कॉमन प्रोसेस कॉमन मार्केट कैन आई से सेम डेफिनेशन है दिस इज योर को जेनरिक बट सिमिलर टू कॉन्सेंट्रिक दिस इज योर कॉन्ग्लोमेरिट सिमिलर टू दैट कॉंग्लोमेरेट

खरीद सकता है दैट इज पॉसिबल बट मर्जर और वर्टिकल कैन बी बोथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड कुछ अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है ऊपर का डाइवर्सिफिकेशन पढ़ के समझा क्या कैन नेक्स्ट वन ये इंपॉर्टेंट है कीजिएगा, अच्छे question. पूछे गए हैं बहुत बार रिपीट होंगे आईसीआई लाइक्स दिस देखो क्या बोलता है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस पहले समझो स्ट्रेटेजिक अलायंस इज नॉट मर्जर अलायंस में बोलता है दो कंपनी है दोनों अपना बिजनेस ऑलरेडी बढ़िया से काम कर रही है कोई एक कॉमन गोल रहेगा कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा उसके लिए वो साथ में आना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं वो अपना एग्जिस्टिंग धंधा बंद कर देगा नहीं

पॉलिटिकली एंटर करना मुश्किल है या इकोनॉमिक होगा बिटवीन टू और मोर बिजनेस जिससे वो लोग अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का ट्राई करेंगे साथ में आके जो वो लोग इंडिविजुअली अचीव नहीं कर सकते हैं मतलब इट्स

स जहां पर हमको लगता है दोनों इंडिविजुअली बिजनेस रन करते जाएंगे कोई एक कॉमन गोल के लिए साथ में आके काम करेंगे ताकि सर इस पार्टनरशिप का बेनिफिट दोनों को मिलेगा पॉइंट नंबर ए एंड इज द मीनिंग ऑफ अलायंस पढ़ लीजिए ए एंड को डन अब सर फायदा क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंस का एंड लिमिटेशंस क्या है एडवांटेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नंबर वन ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेजेस चार हेडिंग है चारों हेडिंग के साथ में एक एक सेंटेंस आना चाहिए सर कभी कभी एक बात सोचिए ना देर कैन बी अ फॉरन एंटिटी जिसका हमारे कंट्री के अंदर लोगों को नॉलेज ही नहीं रहेगा बट अगर वो फॉरन एंटीटी रहेगा वो इंडिया में एक रेप्यूटेड एंटीटी में बढ़ जाएगा time, हमारा जो रहेगा, उसका क्रेडिबिलिटी उनकी कंट्री में बढ़ जाएगा सो so एक तरीके से अलायंस एक दूसरे दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं साथ में आकर के कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं दे विलन नेसेसरी स्किल्स

दूसरा इकोनॉमिक एडवांटेज मतलब सर अब वो नंबर्स का बात करेगा कैन आई से साथ में आओगे एक में भी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कोई में भी मार्केटिंग टर्म्स के अंदर बहुत अच्छा रहेगा अदर यू नो पार्टनर कैन बी गुड विध ऑपरेशन बेसिकली साथ में जब आएंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे दोनों का मार्केट शेयर साथ में आएगा कंबाइंड तो शायद दोनों को एक साथ में बड़ा क्वांटिटी कम प्राइस में बढ़िया से मैन्युफैक्चर करने को मिलेगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक एडवांटेजेस आएंगे मतलब आपका माथ द वर्ड कॉस्ट रिड्यूस होगा थोड़ा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स तो हम बोलेंगे आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अच्छे से अचीव कर पाएंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे मतलब मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल कम डाउन योर नंबर्स विल गो योर मार्जिन विल एक्सपैंड इस पॉइंट में टू यू तीसरा स्ट्रैटेजिक आपको लगता है इंडिविजुअल लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है देर इज अ कॉमन मार्केट उसके लिए कॉमनली साथ में आके हमने बिजनेस करना चाहिए तो फायदा होगा सो इट्स बेटर दैट यू कोऑपरेट इनस्टेड ऑफ कंपीट मतलब सर साथ में आके एक दूसरे को यू you नो know, आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इजीली क्रिएट कर सकते हैं अगर इंडिविजुअली एक नए मार्केट में एंटर करके फाइट करते जाएंगे शायद आपके लिए लिए बिजनेस बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होगा सो so, आप इंडिविजुअली अपना कंटिन्यू करते जाएंगे एक कंट्री के मे बी आपको लगता है साथ में आकर के बिजनेस साथ में रन करना बेटर हो जाएगा सो यू मे फॉर्म अ स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए अलायंस कि भाई स्ट्रेटेजिकली इस सिचुएशन में साथ में आके काम करना बेटर है राधर देन फाइटिंग इंडिपेंडेंटली इस नंबर क्लियर टू यू लास्ट वाला पॉलिटिकल कभी-कभी आपको लगता है एक लाइन को मार्क कर लीजिएगा अलायंस विथ मार्क द वर्ड लोकल फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट्स बिकॉज ऑफ लोकल रिस्ट्रिक्शंस या कोई एक ऐसा इंसान या एंटिटी के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे जो पॉलिटिकली क्या है इन्फ्लुएंसियल है तो आपके लिए उस कंट्री में स्ट्रेटजीस डिसाइड करना लॉज एंड रेगुलेशंस को थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाएगा इफ यू हैव द राइट सेट ऑफ पार्टनर अलोंग यू इस पॉइंट नंबर डी क्लियर टू यू समझा क्या बस हो गया एडवांटेजेस यू शुड नो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फायदा है कॉस्ट तो रिड्यूस होगा ही इकोनॉमिक टर्म्स पे फायदा है स्ट्रेटेजिकली कभी कभी कंपीट करके फायदा ही नहीं होगा साथ में आके काम करना पड़ेगा और कभी कभी आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल एनवायरमेंट एक कंट्री का ऐसा है कि हमें वहां के लोकल इंसान का सपोर्ट लगेगा उस कंट्री में सर्वाइव करने के लिए तो शायद आपके लिए अलायंस बेहतर होगा डिसोर्स एंड प्रॉफिट ऑफी सर जनरली अलायसेज होंगे ट्रेड सीक्रेट इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड ट्रेड सीक्रेट में कम आउट इन पब्लिक नॉर्मली नॉन कंपीट अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट साइन होते हैं बट स्टिल वो बोलता है अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कितने भी कर लो इंसान को फॉलो करना है कि नहीं करना है वो इंसान के ऊपर होता है फिर सर आपने अलायंस किया है तो एक तरीके से नया कॉम्पिटिटर आपने क्रिएट कर लिया है जिस दिन अलायंस खत्म होगा समझा क्या दिस इज योर स्ट्रैटेजिक अलायंस दिस मार्क्स योर एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक्सटर्नल में मर्जर एक्विजिशन अलायंस के चार एडवांटेजेस एंड दो तीन डिसएडवांटेजेस। अभी गुड दिस इज योर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी दो मिनट स्पेंड कर लीजिए गोथ्रो कर लीजिए विल फिनिश द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट, आखिरी है खत्म कर देंगे फिर कुछ दो तीन क्वेश्चन देखते हैं आई सी आई के फ्रॉम दिस चैप्टर फाउंडेशन का रिजल्ट अभी तक नहीं है डेंजरस है सुबह से मतलब मुश्किल हो गया होगा बच्चे का तो खराब हो गया होगा बच्चे तो रात को ही नींद नहीं आई होगी कल फाउंडेशन लेवल तो मतलब बहुत ही बुरा है ये तो जरूर है आई बिलीव दैट आई सी आई शुड अंडरस्टैंड वन थिंग इतना बड़ा क्वांटिटी में वो डील नहीं कर रहे हैं इफ़ यू लुक एट द पॉपुलेशन वॉट वी हैव एंड द काइंड ऑफ टेक कंपनीज वी हैव इन इंडिया आई मीन दे शुड एटलीस्ट हायर अ गुड कंसल्टिंग फॉर्म एंड टेल देम कि रिजल्ट का एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम ही बोलने का और थोड़ा इज्जत बचाने का उस टाइम पे सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए अरे गिनेश उन्हें क्या मतलब दो तीन लाख से ज़्यादा लोग एक साइड एक टाइम पे देखेंगे भी नहीं इतना कोई मुश्किल नहीं है यार मतलब आई बिलीव आई अंडरस्टैंड उन्होंने एस निकाल दिया बट ठीक है बेसिक <laughs> टेक इतना मैनेजेबल होता है मतलब आर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री ये चीज डेफिनेटली करना चाहिए मेंटल स्ट्रेस मतलब क्या होगा वो बच्चा हर पंद्रह मिनट सपना देख के उठ रहा होगा वापस देखने का एक बार रिफ्रेश कर ले कितनी बार रिफ्रेश करेगा कंट्रोल क्या लिखा था उन्होंने लास्ट कितने बजे जाने वाला कुछ लिखा था क्या उन्होंने टाइमिंग ऐसा टाइमिंग ही नहीं बोला था क्या अरे ऐसा कुछ नहीं कभी भी आता है सच्ची हमने सुबह दस बजे भी रिजल्ट देखा है हमने दोपहर दो, दो बजे भी देखा है और एक बार तो एक दिन आया भी नहीं ने नेक्स्ट भी आया है तो हमने सब देखा है दिस हैज ऑल बीन डन वी डोंट इवन नाउ रिमेंबर इन वॉट एट वॉट हैपन बट या दिस इज नॉट राइट आई एग्री एक बार सुबह सात बजे आया था क्या हाँ आया रहेगा कोई बड़ा बात नहीं गुड कंसल्टेंट

ठीक है पॉइंट क्या है इन सिंपल टर्म्स रिट्रेंचमेंट वर्ड का मतलब होता है अपने एग्जिस्टिंग स्कोप ऑफ एक्टिविटी को रिट्रेंच करना मतलब रिड्यूस करना मतलब आपका जो भी एग्जिस्टिंग स्केल रहेगा अब आपको लगता है मे बी वो आपके लिए सूटेबल नहीं है मे बी प्रॉफिटेबल नहीं है उसे आप कम करना चाहेंगे तो आप रिट्रेंचमेंट चूज करेंगे यहां पर उन्होंने तीन ऑप्शन दिए हैं कभी कभी कंपनी टर्न अराउंड चूज कर सकता है उसके बाद में शायद डाइवेस्टमेंट के लिए जाएगा या कभी कभी बिजनेस डायरेक्टली डाइवेस्टमेंट में जा सकता है एंड द लास्ट ऑप्शन व्हाट दे आर गोना गिव यू इज कॉल्ड एस लिक्विडेशन लिखा हुआ दो ही है दैट इज टर्न अराउंड एंड डाइवेस्टमेंट व्हाट इज टर्न अराउंड सबसे पहले हो सकता है सर एक बिजनेस पहले बहुत अच्छा कर रहा था धीरे धीरे उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस में डिक्लाइन होना शुरू हो गया है दे वर डूइंग ग्रेट फ्यू इयर्स बैक नाउ देयर इज अ डिक्लाइन डिक्लाइन इन ओवरऑल परफॉर्मेंस आप इस के प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं मतलब यू वांट टू तो गो बैक टू तो तो द नॉर्मल सरकमस्टैंसेस जब आपका बिजनेस बढ़िया काम कर रहा था दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी यू वुड वॉन्ट टू टर्न अराउंड दिस सिचुएशन एंड गो बैक टू द नॉर्मल कंडीशन वेन योर बिजनेस वॉज Doing great this is called as turnaround डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरा ऑप्शन अगर आपको लगता है टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है ये जो डिक्लाइन है कंट्रोल के बाहर है आपको शायद ही करना पड़ेगा, तो शायद तीसरा ऑप्शन एज ए ग्रुप आपको लगता है एक दो एसबीयूज नहीं एक दो बिजनेस नहीं यू वॉन्ट टू एग्जिट द कंप्लीट यू नो बिजनेस मॉडल ऑल टूगेदर आपको कंप्लीटली कंट्री से ही बाहर निकलने का पूरा

सर स्ट्रेटेजिक एग्जिट मतलब क्या है आप सब्सटैशिय मार्क द लाइन रिड्यूस करना चाहते हैं स्कोप ऑफ योर एक्टिविटी दिस इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेंचमेंट दिस इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेंचमेंट आप अपने ओवरऑल एक्टिविटी के स्कोप को कम करना चाहते हैं इसके लिए आप पहले प्रॉब्लम क्या है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम ये सब समझने के बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं सबसे पहला ऑप्शन कहलाता है टर्न अराउंड when turnaround doesn't work you think about divestment and when nothing works you think about liquidation turnaround padhiye agar ek organization chahta hai ek aisa tarika jisse wo reverse kar sakta hai kiska process the process of decline pehle acha tha decline shuru hua i want to reverse this process strategy is turnaround दूसरा चीज. जब मुझे लगता है मेरे loss making business units loss making divisions loss making sbus को completely एग्जिट कर देना चाहिए कट ऑफ करना है लॉस मेकिंग यूनिट डिविजन एसबीयू प्रोडक्ट लाइन मेरे को धंधा ही नहीं करने का है ओवरऑल बिजनेस रखना ब्रांड वैल्यू रखनी है बट आई डोंट टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट आई बिलीव तीन कोर प्रोडक्ट कंटिन्यू करूंगा बाकी छह सात को क्या कर दूंगा एग्जिट कर दूंगा दिस इज कॉल्ड एस डाइवेस्टमेंट जब मुझे लगता है कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना है कंप्लीट शट डाउन यू वॉन्ट टू अबैंडन द बिजनेस दिस इज कॉल्ड एस लिक्विडेशन मेजर फोकस दो ही पे होना चाहिए ए एंड बी पे ये तीनों पॉइंट आने चाहिए

कब चाहिए उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है माफ कीजिएगा दिस कैन बी ए क्वेश्चन डेंजर साइंस जो बताते हैं कंपनी नीड्स अ टर्न अराउंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग फिजिकल फैसिलिटीज डिटेट हो चुके हैं खराब हो चुके हैं ओवर स्टाफिंग लोग बहुत ज्यादा हैं काम नहीं है उनके पास में प्रोडक्ट्स बिल्कुल अनकॉम्पिटेटिव हो गए हैं बेसिकली प्रोडक्ट बेसिकलीटिव बचा ही नहीं है मार्केट के अंदर सेल करना भी पॉसिबल नहीं होगा ओवरऑल धंधा कंप्लीटली मिसमैनेज्ड है ये सब इंडिकेटर्स हैं दैट अ कंपनी नीड्स अ टर्न अराउंड बैडली ये आर दे आर द इंडिकेटर्स दे आर द डेंजर साइंस बिजनेस नीड्स अ टर्न अराउंड इज दिस क्लियर टू यू पता होने चाहिए डेंजर साइंस दूसरा जब मेरे को टर्न अराउंड करना है तो मुझे क्या क्या नॉर्मली बदलाव लाना होता है इन्होंने कुछ एलिमेंट्स का लिस्ट दिया है ये जरूरी नहीं है हर बार सबके सब, सब अप्लाई होगा बट कुछ एक जनरल एग्जाम्पल्स दिए है शायद टॉप लेवल मैनेजमेंट को बदल दो शायद आपका क्रेडिबिलिटी वैल्यू खत्म हो गया होगा बिजनेस का इसको बिल्ड करने का ट्राई करो इनिशियली क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन कुछ ऐसा करो शायद ऐसे लोगों को साथ में लेके आओ ऑन बोर्ड लेके आओ जिससे आपका वैल्यू वापस से क्या होगा रिवाइव होगा नंबर थ्री एक्सटर्नल प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करो इफ पॉसिबल फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर आओ पेटीएम तभी तो ऑपर सर्किट लग गया वापस गलत है उनको लग रहा है फाइनेंस मिनिस्टर मिलने से आरबीआई कुछ नहीं करेगा अंडरस्टैंडिंग दिस आज अपर सर्किट है दिस इज हाउ द क्रेजी वर्ल्ड वर्क नेक्स्ट आइडेंटिफाई क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज मतलब जहां से आपको लगता है मस्ट जल्दी जल्दी इन्फ्लू आ सकता है मतलब अ न्यू वे सो दैट आई कैन यू नो जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज नेक्स्ट कॉस्ट रिडक्शन करने का ट्राई करो रेवेन्यू जनरेट करने का ट्राई करो ऑब्वियसली कुछ एसेट्स को बेचना पड़ेगा ताकि कैश जनरेट होगा ताकि टर्न अराउंड हो पाएगा टर्न अराउंड के लिए पैसा लगता है भाई उसके लिए कुछ तो कैश लगेगा ना फिर इंटरनल कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करो ये कुछ एग्जांपल्स है इनके थ्रू आप जनरली टर्न अराउंड कर सकते हैं मेरे हिसाब से डेंजर साइंस एंड एलिमेंट्स रीड करना पहले बहुत बार आते थे पर जब से आईसीआई ने यह एक्शन प्लान लिख दिया क्या लिख दिया एक्शन उनको बढ़िया पांच पॉइंट मिल गए समझ रहे हो तब से आईसीआई ने कभी पीछे देखा ही नहीं सिर्फ एक्शन प्लान ही पूछा

काफी है सिचुएशन को करो करो एक मतलब सर, क्या है, हमारे करंट वीकनेसेस क्या है क्या ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा इसे ओवरऑल रिजोल्व करना ये सोचना स्टेप नंबर टू में लिखा है जनरली स्टेप वन का ही पार्ट होता है देखिए क्या बोलता है सर मेजर चेंजेस लाने की क्या जरूरत है कोई प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान बनाइए फाइंड आउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जिससे शायद आपका ये एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना करके आप अप्लाई कर पाएंगे आई वुड से पॉइंट नंबर बी से प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान पिक कर लेना पॉइंट नंबर ई से डेवलप अ स्ट्रैटेजिक प्लान एंड आप अपने गोल्स एंड एक्शन बना करके उनको अचीव करने का ट्राई करें यह पॉइंट नंबर ई लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा नेक्स्ट इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान ये हर बार आता ही नहीं है सुनो कभी कभी हो सकता है एक बिजनेस में एवरी डे बाई नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम लूजिंग मनी या एवरी प्रोडक्ट विच आई सेल आई एम सेलिंग इट इन लॉस मतलब मैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए सौ रुपए कॉस्ट इनकर कर रहा हूं बेचना पड़ रहा है अस्सी रुपए में कहना इसे प्रोडक्ट बना के बेचना मतलब आई अ लॉस ऑफ ट्वेंटी रुपी ऑन एवरी प्रोडक्ट तो कैनाइ से दिस इज योर सिग्निफिकेंट एवरी डे लॉस मतलब धंधा करना भी अपने आप में लॉस है सो नॉट डूइंग इज बेटर आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस एयरलाइन बिजनेस सबसे कॉमन है जब मेरे को मालूम है मेरा ऑक्यूपेंसी खत्म हो चुका है मेरे चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं मेरा कॉस्ट इतना ज्यादा है कि मेरे को फ्लाइट उड़ाया तो लॉस हो जाएगा तो कहना इसे मैंने फ्लाइट ही नहीं देना चाहिए लाइक जेट उड़नेस कंप्लीटली लैंड कर देना चाहिए पहले बिजनेस के ऑपरेशन को रोक देना चाहिए बिकॉज रनिंग अ बिजनेस इज इक्वल टू लूजिंग मनी सो आपको ब्लीडिंग स्टॉप करना पड़ेगा पहले वो एक्टिविटी को बंद करना पड़ेगा फिर सोचना पड़ेगा इधर से रिवर्स हो सकता है क्या सो दिस इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी प्लान अगर ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल स्टेज में है एन अप्रोप एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप टू स्टॉप मार्क द वर्ड ब्लीडिंग एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सरवाइव अगर मैं हर दिन और लॉस इनकर नहीं करूंगा तो शायद कुछ दिन बाद रिवाइव कर जाऊंगा पर हर दिन अगर लॉस इनकर करते जाऊंगा तो बैंक बैलेंस ही खाली हो जाएगा तो अल्टीमेटली टर्न अराउंड का स्कोप क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा मतलब सर अगर क्रिटिकल स्टेज है तो आपको ब्लीडिंग स्टॉप करना चाहिए मतलब हर दिन जो लॉस हो रहा है उसे रोकने का ट्राई करना चाहिए फिर आपने पॉइंट नंबर सी एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टार्ट करने का ट्राई करना चाहिए एज एज क्विकली पॉसिबल अभी इजी नहीं नहीं होता क्योंकि जब तक पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा होप नहीं आएगा, आएगा बिजनेस के अंदर तो वही एक्टिविटी शुरू करो जिससे पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब लॉस होने के बजाय हमको नेट इनफ्लो आ रहा है अगर वो होगा तो शायद बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आपका एनर्जी बिल्ड होना शुरू होगा कि बिजनेस रिवाइव हो सकता है नंबर वन फाइंड द रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम जनरल स्ट्रेटेजाइजिंग करके एक एक्शन प्लान बनाओ फिर उसे अप्लाई करने के बारे में सोचो तीसरा कभी कभी अगर क्रिटिकल स्टेज है तो आपको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जिसके लिए आप ब्लीडिंग को स्टॉप करना चाहोगे लॉसेस को रोकना चाहोगे और जल्द से जल्द एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाने का ट्राई करोगे ताकि एक तरीके से अच्छा एनवायरमेंट बिल्ड होगा कि शायद टर्न अराउंड पॉसिबल है पहला तीन स्टेप समझा क्या नंबर फोर्थ इज एक्चुअल ये बराबर है रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस अराउंड में क्या करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट को चेंज करेंगे मतलब हजार लोग हैं शायद हजार लोग की जरूरत नहीं है मे बी उन लोगों को रिट्रेंज करना पड़ेगा जो आपके लग, आपके लिए एक तरीके से ऑब्लिगेशन है मोर एसेट तो आपको पीपल मिक्स चेंज करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना पड़ेगा दस प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो दस के दस नहीं बेच सकते हो फ्लाइट अगर चला रहे हो एयरलाइन चला रहे हो देर आर हंड्रेड सेक्टर्स जो आप आज कवर करते होंगे मे बी जो प्रॉफिटेबल कोर दस बारह सेक्टर है पहले वो कंटिन्यू करने चाहिए आपने बाकी जो नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स उनको स्टॉप कर देना चाहिए मतलब आपको रिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त अपने प्रोडक्ट का मिक्सचर चेंज करना पड़ेगा पीपल का मिक्सचर चेंज करना पड़ेगा ऐसे स्टेप्स देने पड़ेंगे कि एक नया बिजनेस फाइनेंशियल स्टेट इज इंपॉर्टेंट इफ द कोर बिजनेस इज इिपेरेबली डैमेज मेन बिजनेस अगर इतना डैमेज हो गया है तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का आउटलुक क्या हो जाएगा ब्लीक ब्लीक मतलब हो जाएगा

पहले आप इन्वेस्टर को लेकर के आते हो टॉप लेवल पे नया पैसा लेके आते हो वर्किंग कैपिटल थोड़ा बिल्ड करने का ट्राई करते हो फिर आप बोलते हो जो जो सारे प्रोडक्ट्स थे सब कुछ बेचने का ट्राई नहीं करेंगे जो हमारे पास इतने सारे लोग थे उनको रिटेन करना पड़ेगा जस्ट रिटेन लिमिटेड पीपल फोकस ऑन कोर बिजनेस इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग इससे शायद आप धीरे धीरे रिवाइव होना क्या होंगे शुरू होंगे दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज रिटर्निंग टू नॉर्मल मतलब सर

उस धंधे को बेचना पड़ेगा यू मे हैव टू सेल ऑफ दैट बिजनेस यू अ बिजनेस यू बिलीव इट्स समथिंग दैट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद माई बिजनेस यू मे हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट बिजनेस नंबर टू आपको सर नेगेटिव कैश है कंसिस्टेंटली आपको लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है उस बिजनेस को क्या कर दीजिए डाइवेस्ट कर दीजिए या सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है एक इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द कंपटीशन डाइवेस्ट करो एग्जिट करो नया बिजनेस चालू करो या सर धंधे को कंटिन्यू करने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए उसके लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास में नहीं है मतलब सिंपल है एज अ बिजनेस ग्रुप यू आर डूइंग नाइस फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिड़ला ग्रुप इज नॉमिनल बढ़िया बैलेंस शीट है कोई खराबी नहीं है और मेरे को लगता है जो आइडिया वोडाफोन को सर्वाइव करने के लिए पैसा डालने का वो मैंने बाकी से धंधा बेच के डाल के फायदा नहीं इट्स नॉट वर्थ इट Too much risk. So, I may believe, एक धन अगर मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है और बढ़िया पोटेंशियल नहीं लगता है उधर तो मैं कहूँ अपना सारा पैसा डालेगा उधर ही स्टिलियर कुमार मंगलियर पैसा बहुत है बट दट डज नॉट मीन यू पुट ऑल यूर मनी इन दट दट बिजनेस स्पेसिफिकली इट्स नॉट अ कंपल्शन एवरी बिजनेस हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड यूर टू ऑलवेज सी इंसान अलग है बिजनेस अलग है दोनों को साथ साथ में अटैच नहीं करना चाहिए वरना इंसान भी बिजनेस साथ जाएगा कभी-कभी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे और आपको चुपचाप एग्जिट कीजिए जो बेटर ऑल्टरनेटिव है वहां पर जाइए ये रीजन है जब एक बिजनेस नॉर्मली क्या करना चाहेगा डाइवेस्ट करना चाहेगा अपने कुछ यूनिट्स को अपने कुछ एसबीओ को पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दो मिनट पढ़ लीजिए स्टेबिलिटी से तो ये डाइवेस्टमेंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डन आगे क्वेश्चन है जो इरिटेटिंग बन जाएगा मेजर रीजंस फॉर तो पढ़ के जाओगे डाइवेस्टमेंट वो पूछेगा रिट्रेंचमेंट आंसर सेम है इनका ऐसा होता नहीं है इनके आंसर में ही बस सेम है मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट में पढ़ना पॉइंट नंबर सी डी ई एफ जी कंट्रोल से कंट्रोल भी गलती से हो गया है वो पर क्वेश्चन में अगर आया तो आंसर गलती से यही आंसर देना पड़ेगा क्योंकि उनका हेडिंग है वो मैच होता है तो आपको रीजन पूछे डाइवेस्टमेंट के रिट्रेंचमेंट के टर्न अराउंड के रीजन लिखे पांच वो सही में ऐसा नहीं करना चाहिए उन्होंने दे शुड ओनली आस्क अबाउट डाइवेस्टमेंट बट दे हैव गिवन यू सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इज क्लियर टू यू लिक्विडेशन लिखा ही नहीं है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है मतलब मेरे एक प्रोडक्ट के लिए स्टेबिलिटी सही होगा एक प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंशन सही होगा एक प्रोडक्ट के लिए डाइवेस्टमेंट सही होगा दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन दिस इज द फोर्थ स्ट्रेटेजी पहला था स्टेबिलिटी दूसरा था एक्सपेंशन तीसरा था रिट्रेंचमेंट एंड द फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री और ऑल थ्री डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस पोर्टफोलियो एक के लिए एक्सपेंशन बढ़िया होगा एक के लिए डाइवेस्टमेंट बढ़िया होगा एक के लिए टर्न अराउंड बढ़िया होगा और एक के लिए expansion बढ़िया होगा. Whatever it is, you can make a combination choice. वो भी नहीं लिखा हुआ है आपके syllabus में? बस बता रहा समझा क्या? ख़त्म हो गया करते हैं? इफ नॉट मच इतना पढ़ी लिया तो दो तीन क्वेश्चन भी देख लेते हैं चैप्टर नंबर फोर स्ट्रेटेजी चॉइसेस आइए कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जो आपको ट्रबल करे वैसे वाले। चलो यहां से शुरू करते हैं रीड दिस क्वेश्चन पेज नंबर फोर पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर टू एक्स वाई जेड इज फेसिंग कंटिन्यूस लॉसेस दर इज अ डिक्लाइन इन सेल्स एंड प्रोडक्ट मार्केट शेयर

कॉर्पोरेट स्ट्रैटी शुड शामली पढ़कर बेचना हो गया कंटिन्यू करने के लिए क्या है कौन सा टर्न अराउंड तो आपको टर्न अराउंड क्या होता है बताना पड़ेगा और पांच स्टेप लिख के देने पड़ेगा देखो एक्सवाइजेड इज फेसिंग कंटिन्यूस लॉसेस सेम पूरी कहानी रिपीट करेगा इन सच सिन शामली में चूज टर्न अराउंड इसमें हम प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन को क्या करना चाहेंगे रिवर्स करना चाहेंगे ऑल्सो बोर्ड ने भी डिसाइड किया कंटिन्यू करने का इसीलिए बेटर क्या होगा टर्न अराउंड शामिल नीड्स ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स थोड़ा बहुत उसको प्रोडक्ट में एक्सचेंज करना पड़ेगा पीपल में एक्सचेंज करना पड़ेगा फालतू का लिखने का ट्राई किया फिर लास्ट में देखो एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए नंबर वन असमेंट ऑफ प्रॉब्लम एनालाइज दिचुएशन इंप्लीमेंटिंग एंड एमरजेंसी प्लान देखो रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस का बेस्ट आंसर है इफ़ द कोर बिजनेस इज इिपेबली डैमेज इट मे बी कम्प्लीट बोला था ना आपको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता है रिस्ट्रक्चरिंग होता है पीपी मेक्स चेंज करना प्रोडक्ट मेक्स एंड पीपल मेक्स चेंज करना एंड द लास्ट वन इज रिटर्निंग टू नॉर्मल डिड यू अंडरस्टैंड द्वेश्चन विल यू बी एबल टू राइट दंसर लॉजिकल एकदम चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं रीड नंबर वन very tough Gotham and siddharth two brothers okay are the owners of cloth manufacturing unit located in faridabad they are doing well and they have substantial surplus funds available within the business they have different approaches regarding corporate strategies to become more competitive and profitable alag alag approach gautam is interested in acquiring अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद जो मैन्युफैक्चर करता है क्या चीज परमानेंट मार्कर नोटबुक पेंसिल पेंसिल शार्पनर एनवेला बहुत सारी चीजें बनाता है हमारा मेन बिजनेस क्या है करंटली क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग क्या कहना इसे कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस खरीदने के बारे में बात कर रहा है

पहले गौतम विशेष टू डाइवर्सिफाई दैट इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ही इज इंटरेस्टेड इन अक्वायरिंग अनदर बिजनेस कैन आई से इट इज नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ये कौन सा डाइवर्सिफिकेशन हो गया कॉन्ग्लोमेरेट अब थोड़ा निबंध दिखेगा कॉन्ग्लोमेरेट में नया बिजनेस प्रोडक्ट लाइन आर डिसजॉइंटेड मतलब कंप्लीटली अनरिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस ना तो प्रोसेस कॉमन है ना टेक्नोलॉजी कॉमन है ना फंक्शन कॉमन है कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और नए प्रोडक्ट के अंदर यहां पर कॉंग्लोमेरेट खत्म हो गया थोड़ा सा मीनिंग बताने का दो लाइन लिखने का खत्म सेम दो पॉइंट पढ़े आपने नीचे देखिए ऑन द अदर हैंड सिद्धार्थ सिक्स टू मूव फॉरवर्ड इन द चेन ऑफ

फॉर्म ऑप्स टू एंगेज इन अजनेस दैट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंगलीम प्रोसेस दोनों ऑप्शन होते हैं मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इधर इधर ये लोग क्या करना चाहते हैं फॉरवर्ड क्योंकि बैकवर्ड का ऑप्शन ही नहीं है ना रॉ मटेरियल का धंधा तुम्हारा समझा क्या पक्का बाद में बताएगा दोनों अलग अलग है एक में कोई रिलेशनशिप नहीं है दूसरे में रिलेशनशिप है समझा क्या ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं बट दे आर द चैलेंजिंग वंस इधर दिमाग लगाना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा अभी गुड कुछ अभी टफ वाला क्वेश्चन तो तुमको थोड़ा तकलीफ आनी चाहिए ये तो हेडिंग पढ़ के आंसर बताऊंगा भी नहीं तुमको बीसीजे मैट्रिक्स पूरा निबंध लिखने का है दिस इज हाउ ओल्ड क्वेश्चन यूज टू कम फॉर एट मार्क पूरा बीसीजी क्या करता है 1970s में BCG ने क्या क्या शुरू किया Vertical access, horizontal access, diagram बनाया फिर देखो है है चार ऐसा का का क्वेश्चन नहीं आ सकता अभी समझा क्या नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो ये बढ़िया ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एट दिस इन इंडस्ट्री कम्प्राइजेस ऑफ ओनली टू फर्म्स सूर्या एंड चंद्रा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सूर्य प्रिपेयर बीसीजी मैट्रिक्स खुद बोल दिया बीसीजी बनाने का दूसरा लगाने का ट्राई करने का नहीं ठीक है चलो क्या क्या प्रोडक्ट चार ए बी सी डी रेवेन्यू कितना है सिक्स फोर टू फिफ्टी लैक्स ट्वेल्व पॉइंट फाइव सी आर परसेंटेज निकाल दिया उसने प्रॉफिट okay. का नंबर दे दिया तुमको ओके प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया चलो ठीक है मार्केट शेयर दे दिया तुम्हारा एटी परसेंट मार्केट शेयर है अरे वो तुमको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है यार पहले ढूंढना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी ऑफ एसबीओ में आता है चार एस बी तुम्हारे पास में कौन कौन से स्टार क्वेश्चन मार्क कैश से तुम्हारे सबसे स्टार कौन सा है सबसे मार्केट शेयर किधर है ए के है अंदर क्या उधर तो सबसे, सबसे बुरा सबसे बुरा पूरा पहले परसेंटेज मार्केट शेयर देखो लोएस्ट यहां पे है ठीक है एंड ग्रोथ रेट भी इन दोनों में खराब है बराबर है कि नहीं है तो आई से इधर उधर मार्केट शेयर भी खराब है

सी सी में क्या सिचुएशन है तुम्हारा मार्केट शेयर सिक्सटी है 40 से बेटर है कि नहीं है कैश कॉम में तो मार्केट शेयर अच्छा होना चाहिए ग्रोथ रेट माइनस ट्वेंटी कुछ भी बोलता है ये उनके चार कैटेगरीज है देखो जरा क्या समझाने का रहा इसे है इसे किसी ने बोल दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए मेरे को तो उसने बोला ठीक है मैं बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं बोला ना चार ऑप्शन प्लॉटिंग कर दिया अब तुम क्या करोगे बताओगे ना कि ए तुम्हारा क्या है बी तुम्हारा क्या है सी इज वॉट डी मार्केट शेयर ज्यादा है ग्रोथ रेट कैसा है मतलब विच वन इज स्टार विच वन इज क्वेश्चन मार्क विच वन इज

नंबर थ्री वन ऑफ इंडिया प्रीमियर यूटिलिटी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रोडक्ट बनाता है वेंचर्स प्रोडक्ट सेम बनाएगा नए मार्केट में क्या मार्केट डेवलपमेंट लास्ट वाले में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर देगा उससे अलग क्या क्रिएटिव हो सकता है मतलब अब सोचो ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो तुम तुम टैलेंटेड होना चाहिए हाउ कैन यू गो रो एक इंपॉर्टेंट चीज ढूंढने के बाद एक सेंटेंस वही लिखना पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट इसके लिए अग्रेसिव सेल्स प्रमोशन टेक्निक लगेगा वन सेंटेंस लिखना आना चाहिए इसीलिए जो मॉड्यूल में लिखा वो तो पढ़ना पड़ता सब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा हाँ ऐसा फिर भी कंपेरिटिवली मेरे को बेटर लगता है अगर पेपर में आया तो एटलीस्ट एप्लीकेशन तो है गुड क्वेश्चन नंबर लास्ट हो ज्यादा ही हो गया अच्छा जी डब्ल्यू ए लीडिंग जपैन बेस्ड ऑटोमोब कंपनी डिसाइड टू मेक इंडिया अ हब फॉर कंपनी टू फिफ्टी सीसी मोटरसाइकिल टू बी मैन्युफैक्चर इन कोलेबरेशन विद टीवी जगह टीबीआर ग्रुप जपैन बी एमब नॉटन जर्मन है बट ठीक है अ लीडिंग इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्शन इज टू बी एक्सपोर्टेड टू द कंपनीज होम मार्केट एज वेल एज टू द एफ्रीकन कंट्रीज बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाएंगे

तो एडवांटेजेस तो एक ही में थे किसमें स्ट्रैटेजिक अलायंस में अलायंस ढूंढने का डेफिनेशन लिखने का और चार एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल आईसीआई का आंसर सॉल्व करने के लिए उनके हिसाब का नॉलेज चाहिए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट से बेस्ट बिजनेस प्रोफेसर है आईसीआई पेपर एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दी सजेस्टेड आंसर सॉरी नो ऑफेंस वी गुड This marks the end of chapter number four. We're done with one and four. Thank you. I'll, we'll go over three next lecture. can the three, should do. Thank you, online students. Enjoy your day. Bye bye. Thank you. ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेगुलर बैच का हैंड रिटर्न नोट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे जाए डाउनलोड करें पढ़ें थैंक यू